तो मुझे ना वो गाना याद आ गया, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है, फिट एंड फाइन है। विंटर्स चल रहा है, सबसे बेस्ट टाइम होता है वेट लूज करने का, बॉडी को फिट करने का, बॉडी को एक्टिव करने का। यू विल फील मोर एनर्जेटिक अगर आपकी डाइट बहुत हेल्दी हो। तो ये आपको मेरे हाथ में जो दिखाई दे रहा है, आप लोग अभी के अभी वीडियो को पॉज करके बताओ कि ये क्या चीज है। कोई ऐसा है जिसके मम्मी पापा उनको स्टोरी सुनाते थे कि हमारे टाइम पे ना फट्टियां लिखते थे हम इंक से, दवात होती थी वो इतनी सी डिब्बी, उसमें इंक होती थी और कानों की बनती थी, मतलब ये जिनको पता हो तो आप लोग मुझे बताना, और उससे वो फट्टी लिखते थे। तो मैं आगे वीडियो स्टार्ट करूंगी, आपको आज की जो वीडियो है वो है पिगमेंटेशन को लेके। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि इसको ना हम गाची बोलते थे। बहुत से लोगों को लगेगा मुल्तानी मिट्टी, वैसे ये मुल्तानी मिट्टी नहीं है, फुलर अर्थ है, बट ये डिफरेंट टाइप है, इसको गाची बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, जितने भी गाँव के लोग होंगे सबको ये किस चीज में आती यूज आती थी, जब जो फट्टी होती थी ना उसको दवात से लिखते थे, तो धोने के बाद ना इस गाची को उस पर लगाते थे ताकि वो और ज्यादा अच्छी रहे और हमारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी बने, तो ये उस पर्पज से यूज होती थी। लेकिन इसका हमारे स्किन पे बहुत ज्यादा बेनिफिट है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। प्रेग्नेंट लेडीज में ना एक गोला होता है रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, डायरेक्ट आप पहाड़ों से ले सकते हो, इनके भी पहाड़ होते हैं, जस्ट ऐसे उनको स्लैब से निकाला जाता है। रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम इतनी जल्दी आपके स्किन को नरिश करेगा, रीजनरेट करेगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज धीरे धीरे करके आपके पोर्स को श्रिंक करना स्टार्ट करेगा, जितने भी पोर्स ओपन हो गए हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, हाउ टू यूज एवरीथिंग। और सेकंड जो चीज है वो है इसके अंदर दो स्पेशल चीजें, एक है ये, ठीक है, और दूसरी हमारी जो चीज है वो है ये, मतलब इसमें ब्रांड प्रमोशन नहीं है, ये आप कोई भी ले सकते हो। अच्छा आप लोग गेस करो कि ये क्या है, ये है ब्लूबेरी, ठीक है। जो ब्लूबेरी होता है, हम बोलते हैं ना कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रिच इन विटामिन सी, ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट में जो एक किंग होता है ना वो ये है ब्लूबेरी। मतलब एक कैनेडियन डाइटिशियन है, उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप पूरा दिन जितना फ्रूट्स वेजिटेबल ये सब लेते हो और अगर आप एक कप इसका ब्लूबेरी का ले लोगे ना, आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी, कार्ब्स इतने कम होते हैं, फैट को कंट्रोल करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे वर्क करता है। जब मतलब मेरा कहने का ये है कि जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही है, धातुएं सही चल रही है ना, तो पिगमेंटेशन होगी ही नहीं। हम लोग हमेशा कंसर्न होते हैं पिगमेंटेशन एंड मेलास्मा। मैं मतलब बहुत सारे लोगों को जो है जब वो कंसल्ट करने आते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि 100% हम कभी नहीं बोल सकते, लेकिन जितना आपका जाता है वो परमानेंट जाता है, और होम रेमेडी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। और आप जैसे लोग हैं जो क्लिनिक विजिट करके मुझे ये चीज बताते हैं कि आपकी इस रेमेडी से मैम इतना इफेक्ट आया, मेरा ब्रेक हो गया, डल हो गया, बट उन्होंने पेशेंस रखा। कहने का मतलब यह है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सब्र रखिए, धीरे धीरे करके चीजें ठीक होंगी। तो सबसे पहले जो आपको चेंज करना है वो करना है ब्लूबेरी को अपनी डाइट में ऐड करना है। बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप 10 ब्लूबेरी लीजिए और मोर देन सफिशियंट है वो आपको डेली रूटीन के लिए। जैसे कि 10 से 15 सिंपल लिया, खाओ, मोर देन सफिशियंट। और यार ये आपको कॉस्टिंग भी ज्यादा नहीं जाएगी, मतलब इवन मैं परचेज करके लाई हूं तो ये शायद 450 रुपए का पैकेट था, इसमें इतनी सारी है कि 2-3 महीने निकल जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा कि मैम ये मिलेगा कहां पे, तो ये जो इतना बड़ा है ये सिर्फ 30 रुपए का है, तो इससे 4 महीने लगभग रेमेडी हो जाएगी, क्योंकि इसका हमें जो है पाउडर बना के रखना है या इसी तरह से स्टोन को हम रब कर सकते हैं। तो इसको करते हैं अब स्टार्ट। पहला स्टेप क्या है, ब्लूबेरी को ऐड करना है। दूसरा जो स्टेप है वो है खजूर, तो आप खजूर लेके रखेंगे और इसको क्या करना है, नॉर्मली आपको अपनी डाइट में चेंज करना है। डेली रात को सोने से पहले आपको 4 खजूर लेनी है, जो बाजार में मीठी आती है जैसे जो रेडियो पे मिल रही है वो वाली नहीं लेनी, अफ्रीकन खजूर लेनी है कोई भी, तो खजूर को डाइट में ऐड करना है। खजूर क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बढ़ाता है, मूवमेंट बढ़ाएगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, बॉडी इंटरनली वर्क करेगी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातव। तो रक्त जो भी लोगों को प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग पिगमेंटेशन होती है वो इसको क्योर कर सकते हैं। अब करते हैं, ये मैंने इसमें से इतना सा पीस ले लिया, अब मुझे इस रेमेडी को करना कैसे है, या तो मैं इसका पाउडर बना लूं या फिर इसको मुझे करना है पानी में गर्म, और पानी मुझे चाहिए गुनगुना, या तो मैं रब करूंगी या इसका हल्का सा। तो मैंने इसमें देखो हल्का सा गुनगुना पानी डाला,
ठीक है, और मैंने इसको इस तरह से हल्का सा मिक्स किया। अब क्या करना है मुझे, इसको लेके अपने फेस पे जो है इस तरह से रब करना है पानी में हल्के सा। आप इसको 2-3 मिनट सोक रहने दो, ये बिल्कुल पाउडर जो है इसका इस तरह से पूरा पेस्ट आपके फेस पे लगना शुरू हो जाएगा इस तरह से। फिर से इसको पानी में थोड़ा सा सोक करो, और इसको जैसे आप सोक करते जाओगे ना, आप देखो पानी का कलर, ये वैसे बहुत जल्दी डिजोल्व भी हो जाता है। या तो आप इसका पेस्ट बना के लगा लो, पाउडर बना के रख लो, या फिर डायरेक्ट आप इसको जो है अपने पिगमेंटेशन पे इस तरह से रब करना स्टार्ट कर दो इस तरह से। तो धीरे धीरे करके ये आपके मेलाज्मा और पिगमेंटेशन दोनों पे इफेक्ट करेगा, लेकिन मेलाज्मा के पेशेंट्स पे जो है थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो इंटरनली आ रहा है, ठीक है, तो उनको जो है टाइम लगेगा। फिर इसके आगे मैं सेकंड स्टेप बताऊंगी कि आपको क्या करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज, जो पेशेंट यहाँ पे विजिट करते हैं ना, मतलब उनको बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन हमेशा रिजल्ट बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। सेम विद होम रेमेडी, जरूरी नहीं है आपको ये सूट करे, और हो सकता है कि इतना अमेजिंग रिजल्ट हो जो आज तक नहीं मिला। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि हमें ये अवेलेबल कहाँ भी हो सकता है, तो ये किसी भी पंसारी के पास आप जाओगे, उसको बोलोगे फुलरर दे दो, गाची दे दो, उन्होंने बाहर रखे होते हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप 10 रुपए की भी लाएंगे तो मोर देन सफिशियंट है, तोल के देते हैं वो लोग। इसको लगा लिया, सूख गया, सूखने के बाद धीरे धीरे करके फेस को वॉश कर लेना है इसको क्लीन करके। जैसे ये तो बहुत पतली लेयर है, आपको थिक लेयर लगानी है, सो देट 15-20 मिनट आपके फेस पे वो लगा रहे। अब आती है बारी सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप है कुकुम्बर। जब आपने ये लगा लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, खीरा लेना है छोटा सा, और खीरे को अपने फेस पे प्रॉपरली रब करना है 5 मिनट्स। वाटर उसमें रिच होता है, वो आपकी स्किन को ना नरिश करके हाइड्रेट करेगा। कुकुम्बर मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब विंटर सीजन है, विंटर सीजन में स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, और जिन लोगों की बहुत ऑयली भी होती है ना, उनकी स्किन भी ड्राई होने लग जाती है। तो जो कुकुम्बर है वो स्किन को हाइड्रेट कर देगा, उसमें ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे करके ना पिगमेंटेशन भी, उसमें जो ब्रेकेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोनों स्टेप आपको फॉलो करने हैं, यानी कि ब्लूबेरी हो गया और डेट खजूर खाने में, और ये फुलर अर्थ यानी कि गाची, इसको आपको फेस पे लगाना है, और इसके बाद आपको कुकुम्बर को रब करना है। अब बात आती है कि हमें ये रेमेडी कब परफॉर्म करनी है। आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, जब आपको टाइम अवेलेबल हो तब। इसमें कोई ऐसा नहीं है रात को करना है, दिन में करना है, और ये रेमेडी करने के बाद आप बाहर भी जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि स्किन ऑटोमेटिकली नरिश हो रही है। कितने दिन तक करना है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर बॉडी। जब आपको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाए उसके अकॉर्डिंगली आप कंटिन्यू कर सकते हो। लाइक 1 मंथ तो मिनिमम आपको यूज करना है फॉर अ वेरी गुड रिजल्ट, पेशेंस रख के। कोई भी बीमारी होती है ना, आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हो या कुछ। मैं आपको एक पेशेंट का बताती हूँ, वो आज उन्होंने विजिट किया और आई एम वेरी सरप्राइज विद द बिल। उन्होंने मुझे 8.5 लाख रुपए के बिल दिखाए, और उनको बिल्कुल माइनर से पिगमेंटेशन। उन्होंने कोई बहुत एडवांस थेरेपी के बारे में बताया, जिसके बारे में मैंने भी पहली बार सुना, और उसके बाद मैंने गूगल पे पढ़ा, अच्छा ऐसा भी होता है, कुछ बहुत डिफरेंट सी वो थी, मतलब कार्बन पीलिंग तो छोड़ दो, लेजर भी छोड़ दो। तो उसने मुझे बोला कि मैम एक्टर-एक्ट्रेस को भी तो ये करते हैं ये वो। मैंने कहा भाई वो ऑन स्क्रीन बहुत चीजें अलग है, ऑफ स्क्रीन चीजें बहुत अलग है। मतलब आप कुछ भी चीजें कर रहे हो, और सबको पता है कि जो हम ये स्टीरॉयड क्रीम यूज करते हैं स्किन को डैमेज करते हैं। मतलब कोई आज तक मैंने इंसान नहीं सुना जिसका इतने से इतना हुआ, हमेशा बड़ा ही है। तो हम क्यों इन्वेस्ट करें, हम एक बेटर चीज की तरफ जाएं। मैं 100% अब भी नहीं बोल रही, ना मैंने कभी कहा है, 90, 80, 70, 50, 40 जितना आपका होगा दैट विल रिमेन परमानेंट, ये मेरी श्योरिटी है। तो सिंपल सी है, अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हो हमसे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। होम रेमेडी मैंने बता दी, लेकिन आज एक बहुत स्पेशल चीज है, ये छोटा सा हमारा बैग, तो ये हमारे क्लिनिक का है, और इसमें है हमारी नवारा किट। ये तो ये क्या है, बेसिकली हमारी फेशियल किट है, नवारा किट, जो पिगमेंटेशन वाले यहाँ विजिट नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो मैं इसमें आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे ना इसमें 6 स्टेप हैं इस तरह से, ये हमारे 6 स्टेप है, सब पे लेबलिंग रहती है, और सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, प्रॉपरली जैसे मेंशन किया है उन स्टेप्स को फॉलो करना है। और जो लोग सैलून भी जाते हैं ना, मैं ये कह रही हूँ कि इसकी 999 कॉस्ट है, और इसमें 2-3 सिटिंग हो जाती है आपके, आप इसको ट्राई करो,
आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। जैसे नवारा ट्रीटमेंट मैंने बताया 1800 पर सिटिंग रहता है, लेकिन इसकी कॉस्ट 999 रहती है और इसमें दो सिटिंग इजीली हो जाती है, दो से तीन आपके फेस के अकॉर्डिंग। तो आप इसको मंगवा के घर पे कर सकते हो जो लोग विजिट नहीं कर सकते। तो बस सिंपल सा है, इसको ऑर्डर करने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आपको कॉन्टेक्ट करना है, होम रेमेडी फॉलो करना है, अपने रिव्यूज जरूर शेयर करना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यार, जिन लोगों ने भी हमारी जो जो रेमेडीज फॉलो करी है उसमें कैसा रिजल्ट मिला नहीं मिला वो भी मुझे बताना, और कितने टाइम से पिगमेंटेशन है वो भी। तो किसी भी तरह की हेल्थ रिलेटेड इश्यू के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, होम रेमेडी के लिए हम ऑलरेडी आपको वीडियोस बता रहे हैं। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहना, उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।